करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी आहुई व्रत मनाया जाता है। आहुई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत को कार्तिक कृष्ण अष्टमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देखकर आहुई माता की व्रत कथा सुनकर व्रत को खोलती हैं। तो चलिए सुनते हैं आहुई माता की कथा। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी भौवे जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, जैसे तुमने मेरे बच्चे को मार कर मुझे निसंतान किया है, तुम भी आजीवन भर निसंतान रहोगी। स्याहू के ये वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती रही, वे उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने को तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन में मर जाते। ऐसे ही हर साल आहुई का व्रत आने लगा और उसकी जेठानियाँ इस व्रत को करने लगी। इस व्रत को करके वो अपने बच्चों की लंबी और दीर्घायु की कामना करती। एक दिन पंडित को बुलाया गया और पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित ने सुरेह गाय की सेवा करने की सलाह दी और कहा, वो ही तुम्हें प्रसन्न होकर इस श्राप से मुक्त कर सकती है। ये सुनकर छोटी बहू दिन रात सुरेह गाय की सेवा करना शुरू कर देती है। रोज उसका गोबर साफ करती है, उसको नहलाती है और साथ में उसका पानी भरकर रखती है। एक दिन सुरेह गाय सोचती है कि इतनी सेवा भला मेरी कर कौन रहा है, आज मैं तड़के उठकर देखती हूँ कि कौन मेरी सेवा करने आता है। सुरेह गाय तड़के उठकर जब देखती है तो साहूकार की छोटी बहू उसकी ये सारी सेवा कर रही होती है। सुरेह इस सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, अरे तुम इतनी सेवा कर रही हो मेरी, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। साहूकार की छोटी बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे बचते ही नहीं, अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। स्याहू गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर 7 समुद्र पार जहाँ स्याहू माता रहती थी उनके पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में थक जाने के कारण दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर एक सांप गरुड़ पंखने के बच्चों को डसने जा रहा है और वो सांप को झट से मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया और वो छोटी बहू को मारने के लिए अपनी चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, अरे एक तो मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा करी और तुम ही मुझे मार रही हो। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और कहती है, मांगो तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। इस पर छोटी बहू कहती है, तुम मुझे सुरही गाय के साथ 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चलो, इतना कर दोगी तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर सुरही गाय और छोटी बहू को बिठाकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले जाकर छोड़ देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बहन कैसी हो तुम, बहुत समय बाद तुम्हें देखा। सुरही गाय भी माता को देखकर बहुत खुश होती हैं और पूछती हैं, स्याहू माता मैं तो ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं। स्याहू माता कहती हैं, बहन मेरे सर में बहुत जूहें पड़ गई हैं, अगर तुम इसे निकाल सको तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। इस पर सुरही गाय छोटी बहू से स्याहू माता की सारी सर की जुए निकालने को कहती है और छोटी बहू भी स्याहू माता की सारे बालों की जुए निकाल देती है और उनकी दिन रात बहुत सेवा करती है। स्याहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसको 7 पुत्र और 7 भौवे होने का आशीर्वाद देती है। लेकिन इस पर छोटी बहू कहती है, स्याहू माता मेरा तो कोई पुत्री नहीं तो भौवे कैसे होंगी। स्याहू माता उसकी बात को समझ नहीं पाती और पूछती है, ऐसा क्यों है। वो कहती है, पहले आप मुझे वचन दें कि आप अपना दिया हुआ आशीर्वाद वापस नहीं लेंगी। स्याहू माता उससे वादा कर देती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपना दिया हुआ वचन
और अपना आशीर्वाद वापस नहीं लूंगी। इस पर छोटी बहू बताती है कि माता, मेरी कोख आपके पास बंधी हुई है, इसलिए जो भी पुत्र होता है वो मर जाता है, इसलिए मैं अभी तक निसंतान हूँ। छोटी बहू की बात सुनकर स्याहू माता कहती है, तुमने तो मुझे अपनी बातों में ठग लिया, अब तो मैं अपना दिया हुआ आशीर्वाद और वचन वापस भी नहीं ले सकती। कोई नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारे सात पुत्र और सात बहुएं तुम्हें मिलेंगी। ये बात सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे कहती है कि घर जाकर आहुई माता का उद्यापन करना, और आहुई बनाकर सात कड़ाई देकर अपने व्रत का उद्यापन करती है। तो इस तरह से आहुई का अर्थ ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस प्रकार आहुई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण होती है। कभी वो निसंतान नहीं रहती, उनके बच्चों को दीर्घायु और समृद्धि मिलती है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप इस व्रत को ध्यान से सुने और पूरी निष्ठा भावना से करें। धन्यवाद।